अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। बेटे एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.2। और बहुत क्वेश्चन आसान है, लेकिन जो है आपने कोई भी क्वेश्चन हो बेटे, आसान हो या मुश्किल हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वो क्वेश्चन आएंगे। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। ये बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेके 5 तक, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 बेटे। इसको कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपने बाद में इसकी डेफिनेशन भी आपको मार्क करवा दी जाएगी। यहाँ पर स्टार्ट करें, स्टार्ट कैसे करना आपने, ये स्ट्रेट जो लाइन है, ठीक है, आपने इसको रिमूव करना, खत्म करना। आप जब खत्म करेंगे तो इफेक्ट इस पे आएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसके साथ बटे प्लस और माइनस का साइन रखें, ठीक है। ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं इसको जब आपने खत्म करना है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसके साथ आपने प्लस माइनस का साइन लगाना। अब इसका मतलब ये है कि आपने x माइनस 3 को प्लस 4 के साथ भी सॉल्व करना है और x माइनस 3 को माइनस 4 के साथ भी सॉल्व करना है, ठीक है। प्लस माइनस लगाने का मकसद ये है कि जो 4 जो है अब ये प्लस 4 के साथ भी सॉल्व करेंगे माइनस, यानी कि टू वैल्यूज आ गई। स्टार्ट करते हैं, ये x माइनस 3 प्लस 4 के साथ सॉल्व करेंगे, दूसरा बटे है x माइनस 3 और माइनस 4 के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बटे इसको देखेंगे, ये आ जाएगा माइनस 3 है, उधर जाकर बटे क्या आ जाएगा माइनस है, जब इक्वल तो दूसरे साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। इसी तरीके से माइनस 4 है, माइनस 3 हो जाकर बेटा क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1। अब ये बेटे हमारे पास जो आंसर आया 7 और माइनस 1 टू आंसर आया, इसको हम सॉल्यूशन सेट पे लिख देंगे। लेकिन इसका जो टाइटल लिखा है सॉल्व एंड चेक, ठीक है, सॉल्व तो कर लिया, चेक भी कर लिया। चेक करने का तरीका बेटे आपको जैसे मैंने रेडिकली क्वेश्चन बताया था बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। जो आपके पास x की वैल्यूज आई है इसको आपने 1/1 पे इसको पुट करना है तो आपका जो दूसरी तरफ जो आंसर हुआ सेम आता जाएगा, ठीक है। जैसे 7 माइनस 3 4 आया, दूसरी तरफ 4 है, माइनस 1 आ रहा है माइनस 1 और माइनस 3 का जो माइनस 4 रेडिकल साइन जब हम सॉरी एब्सोल्यूट साइन खत्म करेंगे दूसरी तरफ जब प्लस माइनस के साथ ही आ जाएगा तो आपका चेक हो जाएगा। तो ये बेटे हमारे क्या रहेगा क्वेश्चन सेट में इसको लिखेंगे, चेक किया वो आपने खुद कर लिया, ठीक है। मेथड आपको पता है, जहां भी एब्सोल्यूट में जो है एक्स की वैल्यू आ रही है वहां पे आपने एक्स की वैल्यू खुद करके इसको देख लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरीके से बेटे एक पार्ट जो है और कर लेते हैं, फोर देख लें, x माइनस 3 एब्सोल्यूट की बेटे साइन आएंगे और पाई वाले। अब इसको करना कैसे है, स्टार्ट जी, ये स्ट्रेट लाइंस को जब खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। इसका मतलब है आपने 2x माइनस 3 को एक दफा प्लस 5 के साथ सॉल्व करना है और एक दफा माइनस 5 के साथ सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे देखिए माइनस 3 है, फिर इसको दूसरे रूम करेंगे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 8। आप यहां पे देखें ये जो 2 है x के साथ बटे क्या है मल्टीप्लाई है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कटिंग होती है कटिंग का भी आ जाएगा 4। अब आगे साइड पे सॉल्व करते हैं, दूसरी साइड पे यहां पे देखें माइनस भी उसी तरीके से जब इसको इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो माइनस का साइन बेटे किसमें चेंज हो जाएगा प्लस 3 में, यहाँ पे आ जाएगा 2x, ये माइनस 2 आ जाएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा दूसरे साइड पे जाएगा तो बेटा डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर देंगे 1 आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा इसका आंसर। और इसको बेटे आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन सेट में लिख लेंगे हम इसको, ठीक हो गई है बेटे आसान से क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का जो बोर्ड के पेपर में आ जाता है और कंफर्म नंबर है, ठीक है। अगर आप स्टेट ना करें साइंस की, ठीक है, जल्दी से बेटे इसको नोट करें फिर आगे कंटिन्यू करें।
जी बेटे शाबाश, जल्दी से नोट कर लिया होगा आपने। रेस करके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर फाइव किया एक्सरसाइज थी बेटे 4.2 और ये जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 114 होता है। फर्स्ट फाइव है क्वेश्चन बेटे बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आपने सॉल्व करने हैं। आप बेटे क्वेश्चन करेंगे कुछ बिजनेस से पहले जो है आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स करने से पहले आपको कुछ बेटे एग्जाम्पल्स बुलाएंगे, उसको आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल आपने समझ ली तो बेटे क्वेश्चन करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। बेटे पेज नंबर है 101, ठीक है। 101 पे जो है एग्जाम्पल्स मौजूद है, ये 101 पेज नंबर है जिसपे एग्जाम्पल्स मौजूद है। एग्जाम्पल नंबर वन, इसके थ्री पार्ट्स हैं और बोर्ड के पेपर में ये आ जाते हैं। अच्छा, इसको पहले देख लेते हैं बेटे। ये जिस इक्वेशन में, ठीक है, चैप्टर का जो टाइटल था लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वेशन का तो आपको मैंने बता दिया था कि क्या होता है। जिस ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो वन हो, हम उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर बेटे ये साइन आ रहे हैं, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन आ रहे हैं, ठीक है, ये फोर साइन है। ये ऐसी इक्वेशन जिसमें सिस्टम कोई भी साइन आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटीज इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर बेटे ये साइन आ गए, जिन साइन को कहते हैं इनइक्वालिटीज के, लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ये साइन आ गए, उस हम इक्वेशन को क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी इक्वेशन कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है बेटे वो इक्वल वाली इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन को कहते हैं उससे थोड़ा सा हट के है, ठीक है। वो क्या करते हैं, आसान है मुश्किल नहीं है देखते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने एक्स की वैल्यू ही फाइंड करना है, लेकिन पैटर्न इसमें जो है वो क्या होगा, आपने बेटे ये अगर मैं इस जो है इनइक्वालिटी का साइन है इसकी जगह पे अगर मैं ऐसे कर दूं प्लस 3, इक्वल का साइन को आपने कैसे सॉल्व किया था, प्लस 3 है इसको दूसरी तरफ मूव कर लिया तो माइनस हो गया, ऐसे सॉल्व किया था ना, ये आ गया था हमारे पास 4 आंसर, ठीक है। अब ये जो साइन आ जाए मैंने इनइक्वालिटी का साइन है, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए बेटे अगर जिस वैल्यू को भी आपने खत्म करना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस 3 इसको दूसरी तरफ ले गया, अब मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका कि प्लस 3 को खत्म करना है तो आपने ये पहले इक्वेशन लिख ली। अब प्लस 3 को बेटे मैंने जो है यहाँ पे मूव नहीं करना बल्कि प्लस 3 को हमें खत्म करनी है, यानी कि एक्स के साथ जो जो वैल्यू आएगी उसको वन बाय वन खत्म करेंगे। उसका तरीका क्या होगा, प्लस 3 है तो माइनस 3 दोनों तरफ कर देंगे लगा देंगे दोनों तरफ, ठीक है। वैल्यू वही रहेगी लेकिन साइन बेटे क्या आ जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस होगा तो वैल्यू के साथ साइन क्या लगा देना, प्लस। वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ आपने क्या करना है, साइन को चेंज करना है। साइन को क्या करना है बेटे, चेंज करना है। वैल्यू वही रहेगी, फिर सुने, ठीक है, इनइक्वालिटी इक्वेशन में जिस वैल्यू को खत्म करना होगा वैल्यू वही रहेगी, उसका साइन चेंज करके दोनों तरफ लिख देना। यहाँ पे देखो ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आएगा 4। अभी देखो एक्स का आंसर जो है दोनों तरफ जो है वही आया, यहाँ पे भी 4 आया था यहाँ पे भी 4 आया, लेकिन पैटर्न जो है सॉल्व करने का बेटा चेंज है, ठीक हो गया। ये आपने माइंड में रखना है। फिर दोबारा देखिए बेटे एक्स प्लस 3 है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी का बीच में साइन है, फिर 7, ठीक है। इसको अब आपने करना कैसे है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये था कि एक्स के साथ साथ जो जो वैल्यूज आ रही है उसको आपने वन बाय वन क्या करना, खत्म करना। खत्म करने का तरीका यह है कि जिस वैल्यू को आपने खत्म करना है बीच में से इक्वेशन से निकालना है, उस वैल्यू को आपने इनइक्वालिटीज के दोनों साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी लिखना है, लेकिन साइन चेंज करके। अगर यदि प्लस 3 था तो मैंने 3 को तो दोनों तरफ लिखा, राइट हैंड साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी, उसका साइन बेटे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसके साथ साइन प्लस था, जो 3 मैंने कुछ लिखा उसके साथ साइन क्या कर दिया, उलट कर दिया माइनस के साथ का। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, आसान है मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट,
अच्छा इसका जो है सॉल्यूशन सेट लिखने का बेटा जो तरीका है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो हमने सॉल्यूशन सेट लिखा, बीच में जो आंसर आया था उसको लिख दिया था। अब यहाँ पे देखें इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो कैसे लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। ये एक्स जिसकी वैल्यू फाइंड की, एक्स की वैल्यू फाइंड किया ना, ये बेटे लाइन आएगी जिसको हम कहते हैं सच टैग। ठीक है, लाइन को क्या कहते हैं सच टैग। ये मैं सारे पे जाए ये वर्ड के मीनिंग लिखता जाऊंगा फिर सारा। ये लाइन को हम क्या कहते हैं सच टैग। ठीक हो गया, उसके बाद में बेटे एक्स आ गया। अभी जो ये सीधा आ गया और सी के दरमियान में छोटा सा ऐसे लाइन, ठीक है, ये साइन है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, ये आपने साइन साफ समझ लिया सी, और ये है छोटा सा इसके लिए लाइन, इसको क्या कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक हो गया, किससे करता है ये आर, आर बेटे हमारे पास रियल नंबर का सेट है। ठीक है, आर जो हमारे पास क्या कहलाता है सेट कहलाता है रियल नंबर का। उसके बाद ये कैप, ठीक है, इस कैप को कहते हैं बेटे मैथ की लैंग्वेज में एंड का साइन, क्या कहते हैं एंड का साइन। ठीक है, उसके बाद इतना तो आपने हर क्वेश्चन में लिखा, जिसको क्या एक्स लिखा आगे लाइन आएगी इसको क्या कहते हैं सच डैग, एक्स आ जाएगा आगे भी बेटे जो आएगा ई टेन, किसका मतलब है बिलोंग्स टू। ये साइड में बेटा सिंबल देख लो आर, ये कि हमारे पास क्या है रियल नंबर का सेट है। उसके बाद ये कैप आ जाएगा, इसका मतलब है एंड का सेट। उसके बाद आपने क्या लिखना है, ये जो आपके पास आंसर आया ठीक है, इतना हर क्वेश्चन में उसके बाद ये बेटे आंसर आया इसको लिख देंगे यहां एंड के बाद एक्स दो। ये बेटे हमारा क्या था क्वेश्चन सेट पर, इस तरह आपने बेटे हर क्वेश्चन में जो है राइट करना है। क्लियर हो गया, मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहां पर इसको रीड करना चाहिए तो ऐसे करेंगे x such that x belongs to real number and x less than है किससे 4 से। ठीक हो गया जी बेटे, आगे इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें आपके जो है कॉन्सेप्ट है वो सारे बेटे क्लियर हो गए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्स के साथ जो जो वैल्यू आ रही है उसको हमें क्या करना है खत्म करना है। यहाँ पे देखिए माइनस वन है, पहले सबसे पहले आपने इसको खत्म करना है जिसको मैंने गैर सर्कल लिया। आप बेटे वही मेथड आपको जब बताया था जिस वैल्यू को आपने खत्म करना है उस वैल्यू को इनइक्वालिटीज के साइन के दोनों तरफ लिखना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी लिखना है और राइट हैंड साइड भी लिखना है, लेकिन साइन क्या करना है चेंज करना है। ठीक है, अगर प्लस का साइन होगा तो उस वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, अगर माइनस का साइन होगा तो फिर क्या आ जाएगा बेटा प्लस का साइन। यहाँ पे देखिए मैक्स आ गया, माइनस वन पहले आपने इक्वेशन बेटे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये जिसको मैंने सर्कल किया इसको पहले बेटे खत्म करना है, माइनस वन को वन लिखा दोनों तरफ लिख दिया पहले। अब साइन डिसाइड करना है, वन के साथ साइन माइनस वन, यहाँ पे इसके साथ साइन क्या आएगा बेटा प्लस का आएगा। ये कट हो गया, इस साइड से खत्म करना था x के साथ जितनी वैल्यूज है इसको 1/1 करके खत्म करना है। अब यहां पे बेटे आगे देखिए 2x आ जाएगा, यहां पे 6 आ जाएगा। आगे देखिए यहां पे जो है 2x के साथ बेटे क्या आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है अगर इक्वल का साइन हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं यहां पे हम देख लेते हैं। अगर यहां पे होता है 2x इक्वल 6, ठीक है, इक्वल टू 6, तो फिर आपने क्या करना है 2 को दूसरी साइड करके क्या करना है बेटे डिवाइड करना है, यानी x एज इट इज रहना था 6 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर देना, ऐसे ही करते ना सॉल्व। ठीक है, ये तो इक्वल के साथ था, अब यहां पे आपने कैसे सॉल्व करना है यहां पे आप देख रहे हैं 2x के साथ बेटे क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का ऑलरेडी क्या होता है डिवाइड, यानी 2 को दोनों तरफ क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 के साथ ही दोनों तरफ क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ये पहले मैंने इसको बेटे इक्वेशन पे ऐसे लिखा, अब 2 इधर भी आ जाएगा और 6 के नीचे भी आ जाएगा, अब यहां से देखो 2 2 से कट हो गया, आसान है ना। तो आपने क्या करना है 2x है, ये 2x के साथ क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल का साइन को हम करते थे बेटे 2 को दूसरी तरफ मूव कर लेते थे और आगे सिंपलीफाई कर लेते, लेकिन यहां पे आपने जब इनइक्वालिटीज का साइन को कैसे सॉल्व करना है
टू को दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इससे जो है हमारे पास एक्स के साथ जो टू का जगह खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसकी कटिंग होगी, हम कटिंग कर देंगे तो डिलीट कर देंगे, ये आ जाएगा थ्री आ जाएगा, ठीक हो गया। ये बेटे हमारे इसका आंसर है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, फिर वही एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आगे बेटे ये एंड का साइन, उसके बाद इतना तो आपने सब में लिखा, ठीक है, ये प्रैक्टिस से आपको आएगा। उसके बाद बेटे आपने जो आंसर आया ये लिख राइट कर देना। तो भी आसान है, मुश्किल नहीं है, इसको बेटे नोट कर ले, फिर अगला हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये बेटे साइन जो है ये लिख लेना है, अगर आपको ना पता चले तो बुक के लास्ट पेज जो है ना ये सिंबल्स भी आगे लिखे हुए हैं सारे, ये किस सिंबल को क्या कहते हैं। ये बेटे ये आ जाएगा सिक्स, थर्ड पार्ट है इसी एक्सरसाइज का, एग्जांपल का। सिक्स माइनस एक्स इक्वल टू बेटा फोर है। आप ये देखें बेटे एक्स का जो जो वैल्यूज है उसको खत्म करना है। ये देखो ये एक्स है, इसके साथ की वैल्यू सिक्स आ रही है, इसको मैं ठीक करना, उसको खत्म करना है। मेथड वही लाओ, पहले आप पूरी इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है, पूरी इक्वेशन को एज इज लिखते हैं। अब ये सिक्स को खत्म करना, सिक्स भी लिखा, इधर भी लिख दिया, दूसरी साइड पर भी लिख दिया आपने सिक्स। अब आपने बेटे साइन डिसाइड करना है सिक्स के साथ, देखो कोई साइन इसका मतलब इसके साथ प्लस है, तो जो आपने सिक्स लिखा है इसके साथ बेटे साइन क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बाकी बच गया माइनस एक्स और ये आ जाएगा माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस फोर। अब बेटे यहाँ पे इस चीज पॉइंट को आपने समझना है, यहाँ से एक्स है उसके साथ अगर कोई चीज ना हो, उसका कोफिशिएंट नजर ना आए, इसका मतलब उसके साथ वन है, इसका मतलब है कि माइनस वन इसके साथ है, माइनस वन, ठीक है। और ये मैंने आपको आपसे पहले भी बताया था, अगर वैल्यू पर लिखा हो उसके साथ कोई कोफिशिएंट ना लिखा हो तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि उसके साथ तो जीरो है, तो जीरो नहीं है तो उसका बेटे एक आसान सा आता है, मैंने आपको बताया था, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ या वो कौन होता है, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला कितनी है एक। ऐसे आपने याद रखना है, जिस वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट ना लिखा हो उसका मतलब उसके साथ वन जो है वो मौजूद है, ठीक है, वन जो है उसके साथ क्या है मौजूद है। तो बेटे यहाँ पे देखें हमारे पास ये समझाने के लिए वन इसके साथ है, अब माइनस वन को आपने खत्म कर लिया, माइनस के साइन को आपने खत्म कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट आपको बेटे समझ में आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे बेटे किया था टू के साथ डिवाइड किया था, टू के साथ क्या किया था, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा था हमारे पास टू था, उसको खत्म करने के लिए टू के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ भी हम माइनस के साइन को खत्म करने के लिए माइनस वन को दोनों साइड पे क्या करेंगे बेटे, डिवाइड करेंगे। अब माइनस वन तो दोनों साइड पे डिवाइड तो कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे चेंजिंग आएगी, क्या चेंजिंग आएगी, जब याद रखना है माइनस वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, पॉइंट ये हमसे नोट कर लें, जब भी आप इनइक्वालिटीज इक्वेशन को सॉल्व करें माइनस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो ये इनइक्वालिटीज की जो डायरेक्शन है ये क्या होगी, चेंज हो जाएगी डिवाइड करते साथ में। अगर ये बेटे ग्रेटर देन होगी तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी, लेस देन होगी तो क्या होगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, याद रखना। ये माइनस माइनस से कट हो गया, माइनस माइनस से कट हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास
इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि जब भी माइनस वाले वैल्यू के साथ, प्लस के नहीं माइनस वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें इक्वेशन में, तो फिर जो है बेटे इनइक्वालिटी इसकी जो सिंबल है इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन होगी तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन होगी तो ग्रेटर देन होगी, आप उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, साथ अब इसका आंसर भी बेटे वैसे ही लिखना है जो आपको पहले बताया था। ये तो आरएम में लिखना है, उसके बाद आगे लिखेंगे एक्स जी बेटे, इसको शाबाश जल्दी से नोट कर लें जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं। कितने पार्ट किए हैं, एग्जांपल दिया और ये एग्जांपल में से जो एग्जांपल नंबर 2 जो है बोर्ड के पेपर में आ चुकी है। बेटे शाबाश, जब से नोट कर लिया होगा आपने, तो ये था बेटे एग्जांपल नंबर 1 की, ये आपने इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और एक्सरसाइज जो है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, ये बेटे आपने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना, फिर जो है इस एक्सरसाइज को हम जब कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह जो है वो कल जो है उसको एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो आसान है ये एग्जाम्पल, अगर आपने इस तरीके से समझ ली तो बेटे क्वेश्चन जो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, सॉल्व करना आसान ही होगी इंशाल्लाह। बेटे कल दोबारा आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जो है हम उसको स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेटे ज़्यादा।